खालिस्तानी आतंकी गुरुपत वंश सिंह पन्नू की अमेरिका में कथित जान लेने की साजिश का मामला अब और गहराता जा रहा है। मामले में अमेरिका ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के नाम का खुलासा किया है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ ने पन्नू का नाम ना लेते हुए बयान जारी किया है कि निखिल गुप्ता ही भारतीय अधिकारियों के इशारे पर उसे मारने की साजिश को अंजाम देने में लगा था। आपको बता दें कि DOJ के अनुसार इस साल की शुरुआत में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने भारत और अन्य जगहों पर गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की जान लेने की साजिश रची। DOJ जिस वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता को कह रहे हैं वो एक न्यूयॉर्क शहर में रह रहा भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक गुरुपत वंश सिंह पन्नू है, लेकिन अमेरिका इसका नाम नहीं ले रहा है। निखिल गुप्ता पर आरोप है कि उसने पन्नू को मारने के लिए हिटमैन को हायर किया है। इस हिटमैन के नाम का भी अमेरिका ने अभी खुलासा नहीं किया है। इसके साथ ही DOJ ने कहा है कि निखिल भारतीय एजेंसी के अधिकारी CC1 से निर्देश ले रहा था। अमेरिका ने CC1 के नाम का खुलासा न करते हुए कहा है कि ये भारतीय सरकारी एजेंसी का एक कर्मचारी है। CC1 के बारे में अमेरिका का कहना है कि वो भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवा दे चुका है। CC1 ने भारत से जान लेने की साजिश का निर्देश दिया है। अमेरिका में जान लेने की साजिश रचने के लिए कथित तौर पर गुप्ता को हायर किया गया था। अमेरिका के मुताबिक इस पूरी साजिश का खुलासा निखिल द्वारा हायर किए गए हिटमैन के बाद हुआ है। निखिल को जिस शख्स ने हिटमैन से मिलवाया वो वास्तव में अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ काम करने वाला एक गोपनीय सोर्स था। DOJ ने कहा है कि सोर्स ने गुप्ता को एक कथित हिटमैन से मिलवाया था, जिसके बाद इस काम को अंजाम देने के लिए $1,00,000 का सौदा भी हुआ था। इस डील की पहली किश्त अदा होने के बाद CC1 ने गुप्ता को टारगेट यानी कि पन्नू के बारे में डिटेल्स भेजी थी, जिसमें उसके घर का पता, उससे जुड़ी फोन नंबर और दिन प्रतिदिन के आचरण के बारे में सारी चीजें विस्तार में बताई गई थी। इसके बाद निखिल गुप्ता ने हिटमैन से काम जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कहा। अमेरिका का कहना है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के बाद CC1 ने गुप्ता को पन्नू के बारे में मैसेज किया और कहा कि अब ये प्राथमिकता वाला काम हो गया है। निखिल गुप्ता के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय नागरिक है। DOJ के मुताबिक 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार भी किया गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।